खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है व्हाट्सएप ग्रुपों में कि रिजवान भाई हैं जो गले वाले लट्ठा भी बोलते हैं उनको, कि वे कबूतर जितने भी उड़ाने वाले हैं उनका फ्री में दे रहे हैं। तो वही चीज़ हम देखने जा रहे हैं भाई रिजवान के यहाँ पर, इन भाई का जिया भाई का कबूतर उनके यहाँ पर पकड़ा गया है एक। अब हम उसको लेने जा रहे हैं और देखते हैं कि भाई वे हमको पैसों में देते हैं या बिल्कुल मुफ्त में कबूतर देते हैं। तो भाई यही हम देखने जा रहे हैं रिजवान भाई के यहाँ पर, और मिलते हैं भाई रिजवान भाई के घर पर। हमारे पास वीडियो है अपने कबूतर की, हमारे कबूतर की, इन भाई का कबूतर है। तो हम देखेंगे वहाँ पर जाकर कि वही कबूतर रहता है नहीं रहता है, और फ्री में देते हैं पैसे की डिमांड करते हैं वो, कि क्या सच्चाई है। हम सच्चाई का पता लगाने जा रहे हैं रिजवान भाई के यहाँ पर। तो मिलते हैं भाई रिजवान भाई के यहाँ पर। देख लो, हम आ गए हैं भाई रिजवान के घर पर, और अभी देखते हैं भाई। इन्होंने ऐलान कर रखा है कि जिस भाई का कबूतर मैं पकड़ूंगा उसका फ्री में दूंगा, बिल्कुल फ्री। अभी इन भाई का एक कबूतर भाई रिजवान के यहाँ पकड़ा गया है, और इन्होंने फ़ोटो वगैरह दिखाई है भाई। पड़ी है इसमें ही फ़ोटो, नहीं फ़ोटो डिलीट हो गई, फ़ोटो डिलीट हो गई। चलो कोई, ये पड़ी है। ये मोबाइल में कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो अगर इनका कबूतर होगा तो देखते हैं भाई रिजवान भाई क्या करते हैं, फ्री में देते हैं नहीं। तो भाई वीडियो में पूरे बने रहे और हम आपके साथ हाजिर रहेंगे। लेने गए हैं भाई रिजवान कबूतर, और भाई हम इंतजार में हैं भाई रिजवान की। शायद आ गए भाई रिजवान। ये नहीं है, ये कोई बात नहीं, अभी ले नहीं है वो। देखो भाई रिजवान गलत कबूतर लेकर आ गए थे, अब ये दोबारा चेंज करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसे आदमी को भाई हम सपोर्ट करेंगे, लालच में आगे बढ़ने में मदद करेंगे हर जगह भाई रिजवान को, क्योंकि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कबूतरबाजों के लिए। रिजवान भाई हमें अपने कबूतरों में ही लेकर आ गए हैं सेटअप में, और ये सारे इनके कबूतर पकड़े हुए हैं। लेकिन जो इन भाई का कबूतर था वो कबूतर इनका नहीं है, और ये खड़े पीछे भाई रिजवान ऊपर तय पे, और बिल्कुल मुफ्त में कबूतर दे रहे हैं जो भी भाई उड़ाने वाला है। कोई पैसा नहीं दे रहे, कोई चार्ज नहीं दे रहे, और इन्होंने एक शुरुआत करी है बहुत ही बढ़िया। हम इन्हीं की छत पर हैं अभी, और ये ऊपर ही हमको लेकर के आ गए हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई जोन से भी तुम्हारा कबूतर है, जितने भी है अपने देख लो, ये भाई उड़ाने वाले हैं हमारे, तो इस वजह से यहाँ पर आए हैं। लेकिन भाई जो भी काम इन्होंने करा है बहुत बढ़िया काम है। अगर आप सहारनपुर से हैं, इनके पास कबूतर देखिए कितने सारे बड़े हैं। तो भाई देखिए ये सारे कबूतर भाई रिजवान के यहाँ पकड़े हुए हैं, और यहाँ पर कोई नहीं चढ़ता, यहाँ पर कोई भी नहीं चढ़ता। और बिना चढ़े में ये कबूतर इतने सारे इन्होंने आ जाते हैं, यहाँ पर खुद ही खाली पे बैठ जाते हैं। तो इनमें एक कबूतरी है ये वाली, इस कबूतरी के चक्कर में हम आए थे, बट ये मादीन है। इनका जो जिया भाई का कबूतर भागा था वो है नर। तो ये सारे कबूतर जिस भाई के भी हो आप देख लीजिए, इनमें से ये सारे भाई रिजवान के यहाँ पर है। ये हमारे जिया भाई है, ये खड़े रिजवान भाई। अभी बात करेंगे भाई रिजवान से भी थोड़ी सी, और जिया भाई से भी। रिजवान भाई, जैसे कि आपने मुहिम छेड़ी है ये कि सब भाइयों का कबूतर फ्री में दे रहे हो आप, तो मतलब ये ऐसे क्यों कर रहे हो आप? मैं ये इसलिए कर रहा हूँ भाई कि उड़ाने वालों को हौसला अफजाई कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, जैसे लोग पकड़ रहे हैं कबूतर 500 मांग लेते हैं, 1000 मांग लेता है, बिल्कुल मैंने ये अभियान इसलिए छेड़ा है ताकि उड़ाने वालों को हौसला बढ़े, बिल्कुल। और भाई जो और कबूतर नहीं देते उन्हें सीख मिले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे नहीं दे सकते भाई, पैसों का दे दे, 200 रुपए मीडियम रख ले, मीडियम रेट के लिए। ठीक ठीक, 200 रुपए ना तो लेने वाले को परेशानी होगी और ना ही देने वाले को परेशानी होगी। जो 500-1000 मांगते हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो पकड़ने वाले इतने पकड़ते हैं जो पूछने भी नहीं आते लोग, अगर रखेगा तो घर भर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 50 कबूतर आदमी पकड़ेंगे जी तो उसमें 10 ही लेने वाले आएंगे। बिल्कुल, 10 ही लेने तो आएंगे। पकड़ने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, उनका माल उन्हें ही दे रहे हैं। बिल्कुल। और भाई मैं और उनके लिए भी कहता हूँ कि भाई जो भी कबूतर पकड़े जो घर पे आ गया, चाहे सहती आ गया, उसका दे दो, दे दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल भी मत रखो कबूतर, कबूतर है ही उन्हीं का। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ये कबूतर 200 रुपए का है जी। कोई बंदा जा रहा है सड़क से, उसका 500 का नोट गिर गया। जी जी। कोई भी आदमी होगा उसे आवाज़ दे के देगा, ले भाई ये तेरे पैसे गिर गए। बिल्कुल। अब हम 200 रुपए का कबूतर रख के बेईमान बन रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। बाहर जो है सड़क पर हम 500 का नोट भी दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए भाई सबसे हाथ जोड़ के अपील है, सब जो है भाई सहयोग करें इसमें, और सब कबूतर दें एक दूसरे का भाई। बिल्कुल।
कबूतर मर जाता है, रंजिश बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सबसे अपील है मेरी कि सब इस अभियान में मेरा साथ दे। बिल्कुल सही है। और भाई जी रिजवान भाई से जैसे कि हमने बात करी और हम यहाँ पर इनकी छत पर आए हैं और भाई हमने कबूतर देखे इनके, इन्होंने भाई पहली बारी में गलत कबूतर ले आए थे इनके मुकाबले में, अब दूसरी बार गए तो ये कबूतरी नहीं थी इनकी। लेकिन भाई ये बात सबसे बढ़िया है कि ये कबूतर बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, कोई पैसा किसी से भाई से ले नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात यह है रिजवान भाई हमारे बहुत ज़्यादा ईमानदारी का काम कर रहे हैं और इन्होंने पूरे सहारनपुर में पहले आदमी हैं जिनकी तय है ऊंची और बिल्कुल पहले आदमी आए जिन्होंने ऐसी मुहिम स्टार्ट करी है। आज तक जितने भी ऊंची तय वाले हैं एक भाई ने भी ऐसी मुहिम नहीं छेड़ी जो इन भाई ने छेड़ी है, तो ये भाई बिल्कुल काबिल तारीफ हैं हर जगह से हर फील्ड में। और जितना ये सपोर्ट कर रहे हैं इतना भाई कोई नहीं कर रहा, नहीं कभी किसी ने करा, कितना इतिहास देख लो। कबूतरबाज हमेशा पकड़ के बेईमान हो जाता है, चाहे 100 रुपये का कबूतर है 100 रुपये के कबूतर में बिल्कुल बेईमान हो जाता है। अब ये 500 का हो 1000 का हो कितने का भी कबूतर कितना ही बढ़िया, ये कह रहे कि भाई मालिक आना चाहिए हमारे पास, कबूतर किसी का ही हो बिल्कुल मुफ्त भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे शहद वाला भी हो उड़ाने वाला होना चाहिए। और जिसकी भाई की तय है उनके लिए भी कोई ज़्यादा रेट नहीं है, सिर्फ 200 रुपये कह रहे हैं, मैं कभी 200 रुपये तक का दे दूँगा जो कि बिल्कुल जायज़ रेट है, चाहे कबूतर कैसा ही है उनका 1000 वाला 500 वाला। और ये मुहिम इन्होंने ऐसी छेड़ी है भाई ये कोई नहीं छेड़ सकता, और भाई हमें सबको इन भाई से सीख लेनी चाहिए और हमें भी ऐसे ही काम करना चाहिए। 1 महीने के लिए करो या 2 महीने के लिए करो, लेकिन भाई ज़रूर से करो ऐसा काम।